हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूपीटेट 2019 के लिए। पहले से आपका एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आने के चांसेस इसमें से क्वेश्चन भी है और पैटर्न भी सेम है। तो चलिए एग्जाम से पहले एग्जाम दे करके देखते हैं कि हम लोग कितना तैयार कर चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे 6 सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से, यहाँ पे देखिए बाल विकास, हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, पर्यावरण, ये 6 सब्जेक्ट पूरे 180 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को एक बार से लाइक कर दीजिए। नमस्ते। ठीक है, जितने भी लोग चैनल से जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन को आप लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे और साथ में आप लोग अपने स्कोरिंग जरूर बताएंगे किस सब्जेक्ट में आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है, निम्नलिखित में से बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता आपको बतानी है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में, पिछड़े बालक का चुनाव करने में, या बालकों का वर्गीकरण करने में। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है 1 का D। आप लोग 1 मिनट वेट करिए। एक मिनट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थार्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाता है, दूसरे का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन सा है, अमूर्त बुद्धि, दूसरा है सामाजिक बुद्धि, तीसरा है गामक या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भाषिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन शामिल है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कवर करेंगे और आपका टाइम भी सेव होगा और लास्ट मोमेंट है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, भाषिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ये सभी शामिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्राग विद्यालय कहा जाता है, किसे कहा जाता है, प्राग विद्यालय किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, बच्चों की आत्मधारणा के प्रारंभ होने का काल। प्राग विद्यालय काल किसे कहा जाता है, बच्चों की आत्मधारणा के प्रारंभ होने का काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी छात्र की परिपक्वता किन किन कारकों से प्रभावित होती है। किसी छात्र की परिपक्वता किन किन कारकों से प्रभावित होती है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है आत्मनियंत्रण, सामाजिक परिपक्वता, दबाव, इन सभी से। विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समायोजन की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। एक मिनट वेट करिए। हेलो, आप सभी से थोड़ी देर के लिए माफी चाहेंगे, जल्दी से कुछ डिस्टरबेंस था, इंपॉर्टेंट कॉल थी।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, आप लोगों से दिल से माफी मांगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समायोजन की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। सुनाई दे रहा है सब कुछ? चलिए हाँ हाँ हम हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, अब सही है, अब प्रॉब्लम क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुंठा कैसे उत्पन्न होती है, कुंठा कैसे उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इन सभी की वजह से, कुसमायोजन से, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, व्यक्तिगत कमी, इन सभी की वजह से कुंठा उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्बर्ट रिजले ने भारत के लोगों को कितने प्रजाति समूहों में वर्गीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, 7 वर्गों में, कितने प्रजाति समूहों में, 7 वर्गों में विभाजित किया था। प्रजाति मतलब रेस, ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें त्वचा का रंग, नाक का आकार, बालों के प्रकार, इन सभी में कुछ स्थायी शारीरिक विशेषताएं मौजूद होती हैं। तो इसमें मंगोल द्रविड़ थे, आर्य द्रविड़, शक द्रविड़, भारतीय आर्य, तुर्क ईरानी, मंगोलाप द्रविड़, ये सभी थे। प्रजाति में बताने का आपको ये मतलब था। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विकल्प आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आप लोग विकल्प चूज करिए। वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी, अधिगम को सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, अधिगम की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण विधि भी है, वाद विवाद भी है, सतत विधि, विकल्प आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी, ये अधिगम की प्रमुख विधियों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जहां पे समझाने लायक पॉइंट होगा वहां पे टाइम दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। विकल्प यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, 11 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, व्यवहारवाद उपागम या सिद्धांत को द्वितीय बल या मानवीयता परक को तृतीय बल के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम बल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ठीक है, द्वितीय और तृतीय भी आपको बता दिया। द्वितीय बल व्यवहारवाद उपागम या व्यवहारवाद सिद्धांत, या तीसरे को मानवीयता परक को तृतीय बल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्मृति के आयाम में निम्न में से कौन नहीं है, स्मृति के आयाम में निम्न में से कौन सा नहीं है आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, तर्क करना। स्मरण से ऐसे पूर्व में सीखे गए विषयों को चेतना में लाने से होता है, तो जिसके अंतर्गत 4 प्रक्रियाएं होती हैं जो उपक्रियाएं कही जाती हैं, सीखना होगा, धारण करना होगा, प्रत्याहान, पहचान करना, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सीखने के वक्र सूचक हैं किसके। क्वेश्चन नंबर 13, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 13 का सी, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, बालकों को अधिगम में प्रेरणा अभिप्रेरणा किस रूप में सहायक होती है, बालकों को अधिगम में प्रेरणा या अभिप्रेरणा किस रूप में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, पुरस्कार एवं दंड में, प्रशंसा एवं भर्त्सना में, बालक की व्यक्तित्व का आदर करने में। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोलबर्ग ने विकास के कौन कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है नैतिक विकास। कोलबर्ग ने विकास के कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा ये नैतिक विकास। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एक चीज और है, कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने प्रमुख स्तर बताए हैं, तो 3 प्रमुख स्तर उन्होंने बताए हैं। कौन सा,
एक होता पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा होता परंपरागत स्तर, तीसरा होता है उत्तर रूढ़िगत स्तर। ठीक है, ये तीन स्तर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है उत्सुकता निम्न में से किससे संबंधित है, उत्सुकता निम्न में से किससे संबंधित है आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाइए जल्दी से। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सृजनात्मकता। किससे संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सृजनशील बालकों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे वो मौलिकता उनमें पाई जाती है, उत्सुकता पाई जाती है, जटिल समस्याओं में रुचि होती है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, एक समय पर अनेक समस्याओं पर वो ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, ये सारे उनमें गुण होते हैं। अधिगम स्थानांतरण में सहायक कारक कौन कौन है, अधिगम स्थानांतरण में सहायक कारक कौन कौन है। अगले क्वेश्चन पे आप लोग जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, और हमारे जितने भी स्टूडेंट चैनल से जुड़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी से एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। अगला है एक अच्छे शिक्षक के गुण है, एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम के सिद्धांतों एवं नियमों से संबंधित है, वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत से संबंधित है। तो विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, ये सभी। शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से चिंतन कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है यहां पे। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ठीक है सी, चार प्रकार के, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। अगला है समायोजन की कितनी प्रमुख प्रविधियां होती हैं, समायोजन की कितनी प्रमुख प्रविधियां होती हैं। 21 का यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है पूरी, चार प्रविधियां होती हैं समायोजन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्ष विधियां, अप्रत्यक्ष विधियां, क्षतिपूरक और आक्रामक विधियां। अगला है जर्मन विद्वान क्रेशमर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, क्वेश्चन नंबर 22 का यहां पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। चलिए ओके, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है शरीर रचना प्रकार के आधार पर। ठीक है, तो इन्होंने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए थे शरीर रचना के आधार पर, कौन सा, एक शक्तिहीन लंबकाय, दूसरा खिलाड़ी सुडौल, तीसरा नाटा गोलकाय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजी अपने अधिगम संबंधी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन पदों पर विशेष बल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी पर। देखिए पियाजी चार अवस्था है, चार अवस्थाओं में कौन सी अवस्था कितनी उम्र की, वो अब उससे अलग ऐसे भी क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो अनुकूलन, साम्यधारणा, समंजन, आत्मसातकरण या समावेशीकरण, ये भी होता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, 10 मिनट पूरे जोश व उत्साह के साथ प्रबल हार्दिक इच्छा से प्रत्येक सोपान पर सफलता की भावना से किया हुआ कार्य का मूल्य लापरवाही से एक घंटा भर किए हुए कार्य के बराबर है, उपरोक्त कथन किस सिद्धांत या नियम की ओर इशारा कर रहा है। 24 आसान सा क्वेश्चन है, 24 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सीखने के नियमों पर, किस सिद्धांत या नियम की ओर इशारा कर रहा है, तो सीखने के नियमों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता की विभेदक शक्तियां कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय एकता की विभेदक शक्तियां कौन कौन सी हैं। 25 ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा डी, ये सभी, उपरोक्त सभी। जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, भाषाई विरोध, क्षेत्रवाद, राजनैतिक हस्तक्षेप, प्रांतीयता, राजनैतिक
दलदल, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरण की प्रभावी विधियां हैं? 26 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। खेल भी है, सफलता, रुचियां सभी। 27 रुचि का सबसे अधिक संबंध है किससे? 27 का यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, रुचि का मुख्यतः संबंध जो होता है हमारी पसंद से होता है। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान अपने आप ही केंद्रित हो जाता है। तो विकल्प यहाँ पे 27 का यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ध्यान से संबंधित। रुचि का सबसे अधिक संबंध पूछा जा रहा है, विकल्प आपका बी सही होगा, ध्यान से, उपरोक्त सभी नहीं, ठीक है, ध्यान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 28 शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ क्या है? 28 का यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करने से। किससे? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करने से। अगला क्वेश्चन है, कौन से अधिगम मनोविज्ञानी ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार सकारात्मक अभिप्रेरणा का महत्व नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? 29 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, गुथरी महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कैटल द्वारा निर्मित 16 PF किस मापन हेतु प्रयुक्त होता है? 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है, किसके द्वारा निर्मित किया गया? कैटल के द्वारा। 30 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, अभी मैंने बताया। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। 17 वर्ष से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 17 वर्ष से अधिक और कितने शील गुण? 16। तो आप लोग यहाँ पे कितना स्कोर कर पाए, आप लोग जल्दी जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों की स्कोरिंग मनोविज्ञान में बाल विकास में कितनी हो पाई, 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए। वैसे थोड़े से इजी क्वेश्चन थे, तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। वेरी गुड, 30 में से 25, 28, गुड, एक्सेलेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे बाल विकास से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। हाँ, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे गद्यांश छोड़ देते हैं, ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं गद्यांश का क्वेश्चन कब से कहाँ से कहाँ थे। 31 से 35 ये हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक, 31 से 35, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब 36 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिप्लाई। तो 36 से स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, क्लियर है। चलिए, निम्न में से अंतस्थ ध्वनियां नहीं है, पूछा जा रहा है अंतस्थ ध्वनियां नहीं है, नहीं, कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे अब हम लोग 4 क्वेश्चन माइनस करके स्कोर करेंगे, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। चलिए इसको 30 ही मान लेते हैं, 30 में आप लोग जोड़ के करिएगा, नहीं तो आप कहेंगे अच्छा 26 में से। तो हाँ, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36, बहुत आसान सा, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, ठीक है। ये कैसी ध्वनि है? ऊष्म ध्वनि है। इनमें से कौन सा संवृत्त स्वर है? संवृत्त स्वर आपको बताना है। 37 अंतस्थ ध्वनियों में 11 लावा, ठीक है, ये सभी है, और उसमें श ख स ह, षष्ठी वाला स होता है। अब यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। 37 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ओ। जिन स्वरों के उच्चारण से जीवा काफी ऊपर उठकर वायुमार्ग को संकीर्ण बना देती है उसे संवृत्त स्वर कहते हैं। 37 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ओ। 37 अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
38 मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं इंग्लैंड नहीं जा सका, किस प्रकार का वाक्य है? 38 38 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं, किससे? इसीलिए, पर, किंतु, इन अव्ययों से ये जुड़े होते हैं। अव्यय कौन से होते हैं इसमें? समुच्चय बोधक। इसलिए, पर, किंतु, ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 39 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8 प्रकार जो विस्मय बोधक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक, निषेधार्थक, विधानार्थक, संकेतार्थक, पता नहीं कितने हुए, यही वाले। क्वेश्चन नंबर 40, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? यहां पे देखिए ध्यान से, विराम चिन्ह आपके सिलेबस में है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, दोहा के एक चरण की समाप्ति पर, दोहा के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि अल्प विराम चिन्ह लगता है। ठीक है, चलिए, जबकि वाक्य के अंत में छंद के चरणों की समाप्ति पर और दोहा के चरणों की समाप्ति पर क्या लगता है? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाता है। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? अंतरंग का विलोम शब्द आपको बताना है, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। वेरी गुड, एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमको भी। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होता है? क्वेश्चन नंबर 41, चलिए आ जाइए जल्दी से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बहिरंग। अंतर्द्वंद का क्या होगा? बहिर्द्वंद होगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी और आंतिक का यहाँ पे क्या होगा? दुरांतिक, ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक साथ अगर कई क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसका भी लोग पूछ लिया जाए, इसका इसका इसका, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आब का अर्थ व्यक्त नहीं करता? आब का अर्थ व्यक्त नहीं करता। 42 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। 42 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, आदेश। ठीक है, आदेश का अर्थ आज्ञा या अनुमति होता है और ये सभी छवि, चमक, इज्जत, ये सभी आब के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? 43 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, पर्वत। पर्वत समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जबकि यहाँ पे देखिए सभा, अधिकारी, ताश, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर के पूरे समुदाय का होता है तो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। सीता गीत गाती है, वाक्य कैसा है? सीता गीत गाती है, कैसा वाक्य है? विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं सकर्मक, क्योंकि क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। 45 विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है सी, आसमानी। ठीक है, इसका विशेष आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आसमानी का विशेष से आपको बताना है आसमान होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पांचों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? पांचों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? 46 पे आइए, 46 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है समुदाय बोधक। पांचों शब्द समुदाय बोधक विशेषण है क्योंकि यह समुदाय का बोध कराता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुवचन है? विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है प्राण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 47, प्राण बहुवचन शब्द है। प्राण शब्द बहुवचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पे देखिए जनता, सामान, ये सभी एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। हमेशा जनता और सामान हमेशा एक वचन होते हैं,
लेकिन ये माता जो है यहां पे एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होता है? माता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 48 यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी तिथि। 48 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी तिथि स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और सभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है दही क्या है? हाथी, पानी, दही, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है वर्तमान काल का भेद कौन सा नहीं है? पूछा जा रहा वर्तमान काल का भेद कौन सा नहीं है। 49 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी आसन्न वर्तमान। आसन्न वर्तमान काल का भेद नहीं है, ठीक है। वर्तमान काल के मेनली पांच भेद होते हैं, कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान, फिर पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, फिर पांचवा संभाव्य वर्तमान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्यय कहां लगते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 प्रत्यय कहां पे लगते हैं? तो जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए कमेंट सेक्शन में, और यहां पे अपनी स्कोरिंग जरूर आपको बतानी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। मेन उद्देश्य लास्ट में इस तरीके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है कौन सा? ए शब्दांश के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, क्लियर है। उपसर्ग शब्दांश के आरंभ में लगते हैं, ये भी देखते रहिएगा। अच्छा एक चीज और पूछा जाता है, प्रत्यय ये उपसर्ग क्या होते हैं? चलिए अगला है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? 51 पूछा जा रहा है तद्भव, तो यहां पे ध्यान से देख लीजिए 51 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी खुजली। इसका तत्सम क्या होगा? खरजू। क्या होगा? खरजू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? छाती पर मूंग दलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? 52 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश्वर महेश्वर्य का संधि विच्छेद आपको बताना है। 53 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी महाधन ऐश्वर्य। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है खूब। अच्छा महेश्वर महेश्वर में कौन सी संधि है? यह वृद्धि स्वर संधि है, ध्यान दीजिएगा महेश्वर में वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट है, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वहां कौन सा अलंकार होता है? बहुत बढ़िया सा है। 54 पे आ जाइए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वहां पे यमक अलंकार होता है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है आपको बताना है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट से। जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। 55 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, वेरी गुड सी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का और एग्जाम्पल है प्रतिदिन, यथासंभव, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा का चरम लक्ष्य है, शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है? 56 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है? निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 57 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी वीडियो, ठीक है। वीडियो टेलीविजन कंप्यूटर ये सभी श्रव्य दृश्य साधन में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित में से कौन सा पठन दोष नहीं है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पठन दोष नहीं है, तो ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। 58 विकल्प सही हो जाता है आपका भी, पढ़ते समय सिर को इधर उधर ना घुमाना, ठीक है। और सभी में पठन दोष है, पढ़ते समय शब्द पर उंगली रखने की आदत, ये मौन पाठ करते समय शब्दों को बोलना, पढ़ते समय बार बार वाक्य के प्रारंभ पर लौटना। 59
यांत्रिक पठन केवल मुद्रित सामग्री को उगलना मात्र है, या किस या कथन किसका है? यांत्रिक पठन केवल मुद्रित सामग्री को उगलना मात्र है। बहुत बढ़िया सही लाइन है। 59 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, बैलार्ड का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अच्छे संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, शुद्ध वर्तनी। अच्छा कम्युनिकेशन तभी होगा जब आपकी वर्तनी शुद्ध होगी। कम्युनिकेशन तो हो जाता है, अच्छा नहीं होता फिर। अब यहाँ पे आपका हो जाता है हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट। आप बताइए 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और साथ साथ में बताइए 60 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं दोनों मिला करके। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं। आप लोगों का कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ रहा है कि नहीं? देखिए एकदम से एग्जाम के माहौल में जिस तरीके से आप एग्जाम देंगे ना 2 दिन के बाद, सेम उसी माहौल में आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व कीजिए। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल लापरवाही करनी ही नहीं है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है पर्यावरणीय अध्ययन आपका स्टार्ट हो जाता है। अब पर्यावरणीय अध्ययन, फिर उसके बाद चलेंगे दूसरे सब्जेक्ट पे। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनी प्रदूषक है? जैव अपघटनी प्रदूषक जीवों के द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषक कौन सा है? एस्बेस्टास, वाहित मल, प्लास्टिक, पारा। क्वेश्चन मैंने करवाया है, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 121 का बी, वाहित मल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उपर्युक्त सभी। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, कार्बोहाइड्रेट, विकल्प आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। ऊर्जा का स्रोत होते हैं, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को लगभग 4 किलो कैलोरी, कितनी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। 123, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। अगला है पावर हाउस भी कहते हैं। फूलों में अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये पुष्प है अंडाशय, तो यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे गोल संरचनाएं लगी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? 125 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, बीजांड कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? आपको बताना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, एक बार आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं अभी, देखिए कितने लोग देख रहे हो, लाइक कितना कम है, आप लोग खुद देखिए। ऑनेस्टी से, ईमानदारी के साथ एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। रेशियो आप लोग खुद देख लीजिए कितना है, रेशियो आप लोग देखिए। तो हाँ जल्दी से कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं लग रहा है आप लोगों का, एक बार हमारे भी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया करिए। 126 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बाराबंकी। कहाँ पे लगता है? बाराबंकी। एक लाइक और एक शेयर, बस और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? 127 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, मथुरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, ये सूची को मिलान कराना है, कौन कहाँ पे मिलता है? देखिए आंवला कहाँ पे फेमस है? मेरठ, दिया सिलाई, लकड़ी के खिलौने, ये सभी आपको सही विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है। ये फिर किस तरीके की सूची दूसरे में दी गई वो देखना है, आंवला से क्या बनता है या फिर ऐसा। तो यहाँ पे देखिए आंवला उर्वरक का काम करता है, ये हो गया। चलिए मेरठ, मेरठ में खेल का सामान,
अच्छा यहाँ पे नीचे भी है, चलिए चलिए तभी तो, रुक जाइए, चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्लियर ना। चलिए यहाँ पे ही देख लेते हैं, अब नीचे वो मैच नहीं हो पाएगा, अब पूरा स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। 128, फिर उसके बाद दिया सलाई कहाँ पे, बरेली ना, ठीक। लकड़ी के खिलौने बच रहा है आपका वाराणसी, ये मैच करवा दीजिए। हाँ वेरी गुड, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो दूसरे दूसरे श्रेणी में जो उसमें रखा गया सूची में उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। जल का क्वथनांक बिंदु कहलाता है, जल का क्वथनांक बिंदु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 129, जल का क्वथनांक बिंदु। जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल उबलने लगता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ही जल का क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोचीन बंदरगाह स्थित है, कोचीन बंदरगाह कहां पर स्थित है, 130, कोचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, वेरी गुड। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक प्रस्तावित है, 131 हो चुकी है, 31 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग, सी, मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट है, खेल स्वयं तथा स्वैच्छिक के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, खेल स्वयं तथा स्वैच्छिक के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, ये कथन किसका है, 132 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, स्टर्न का है। अगला है प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, विकल्प आपका यहाँ पे सही क्या होगा, सी, गोदावरी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग कंफर्म मानिए यहाँ तक 125 प्लस आप लोग स्कोर करके आएंगे आप लोग एग्जाम में, देखिएगा आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि मैम मेरा 125 प्लस है, 133 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, गोदावरी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, या त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकल करके दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कहां पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कार्डमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, कार्डमम की पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 134, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है केरल और तमिलनाडु, कहां पे ऑप्शन है सी, केरल तथा तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर ये स्थित है। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार जिन राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण है वे क्रमशः कौन है, 135 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं, अमरकंटक पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत, ये है, फिर इधर देखिए 136, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अमरकंटक पहाड़ी से, कहां से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, 137 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी, अनुच्छेद 123, संविधान से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी है, 138, चलिए जल्दी से, ये सारे क्वेश्चन खूब करवा चुके हैं, विकल्प आपके यहां पे सही हो जाता है सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पर्यावरण को मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है किसमें, 139, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त उपयुक्त सभी में। प्राकृतिक और भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, मानव निर्मित पर्यावरण, देखिए प्राकृतिक और भौतिक आप सभी जान रहे, सामाजिक और सांस्कृतिक आप एससीईआरटी में था आपके,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब सामाजिक में आता, सांस्कृतिक में जो आपका सोसाइटी में जो कल्चर होते रहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? 140 सभी हैं। जीवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल का लगभग 99% भाग किन गैसों से बना है? आपको एससीईआरटी करा रहे थे तब बताया था, क्वेश्चन में भी बताया था 99% भाग। अब जल्दी से 78%, फिर क्या है 21%, फिर उसके बाद और 1% में सारी गैसें, 0.03 कितना है CO2 है और सभी हैं, तो ये दोनों मिलाकर के दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 8 × 1 9 हो गया, 7 × 2 9, 99% हुआ। कौन सी गैस है? विकल्प आप लोग जल्दी से टिक करिए, 100 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, भी सही हुआ ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पर्यावरण के प्रमुख घटक, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा गया। 142 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, जैविक और अजैविक दोनों। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक है? अब यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उपर्युक्त सभी, तो 143 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, ये सभी हैं, सरल ऊतक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा मृदु ऊतक, कोलेन्काइमा स्थूल कोड ऊतक होता है, फिर ये दृढ़ ऊतक होता है। चलिए, पर्यावरण अपकर्षण से क्या आशय है? कई बार हम बता चुके हैं आपको, पर्यावरण अपकर्षण से क्या आशय है? 144 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, सभी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारितंत्र है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? 145 विकल्प यहाँ भी आपका सही हो जाता है, देखिए समुद्र, रेगिस्तान, वन, समुद्र, घास के मैदान में से आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ये समुद्र, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पर्यावरणीय शिक्षा की औपचारिक विधियां हैं, पर्यावरणीय शिक्षा की औपचारिक विधियां कौन सी हैं? 146 ऑप्शन यहाँ भी आपका सही हो जाता है डी, ये सभी, स्वयं खोज विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, निरीक्षण विधि, भ्रमण विधि और योजना विधि, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय शिक्षा के प्रमुख लाभ हैं, पर्यावरणीय शिक्षा के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? 147 तो पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी प्राप्त होना, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव की जानकारी, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, 100% लाइक तो एक बार कर ही दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से आप लोग, वेरी गुड। चलिए कब एक बार तो ऐसा करिए कि पूरा लाइक आप लोग कर दीजिए और एक शेयर, एक लाइक और एक शेयर आप लोग करते रहिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 148 एग्जाम से पहले आप लोग समझिए एग्जाम दे रहे हैं और हाँ, पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सिलेबस पर ही है, एकदम सिलेबस पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शिक्षण में क्या योगदान है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शिक्षण में क्या योगदान है? 148 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। विद्यार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है, अध्यापक को प्रभावकारी कार्यनीति आयोजित करने में सहायता करता है, कमजोरियों का निदान करने में भी सहायता करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री होती है, विकल्प सही हो जाता है आपका डी, उपर्युक्त सभी। दृश्य सामग्री श्रव्य और दृश्य श्रव्य दोनों, ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण संबंधी प्रमुख समस्याएं हैं, शिक्षण संबंधी प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? 150 दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम, ये भी है। शिक्षक का बुरा व्यक्तित्व, नीरस अध्ययन, ये तो सबसे ज्यादा। शिक्षक का व्यक्तिगत रुचि में अभाव एवं दोषपूर्ण गृहकार्य, ये सभी है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि ईवीएस में 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इवन हम लोगों ने 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, देखिए हिंदी, CDP और ईवीएस, पूरे 90 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन कौन सा है? अगला आपका क्वेश्चन है संस्कृत। संस्कृत यहाँ पे 1 से 5 तक हम छोड़ देंगे, 1 से 5 यानी कि 61 से लेकर के 65 तक, ठीक।
चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 महाभारत में कितने पर्व हैं? मैथमेटिक्स आप लोग सॉल्व करेंगे पहले मैथ्स, चलिए पहले संस्कृत देख लेते हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, एक मिनट पहले ही गलत, इसको छोड़िए। चलिए 66 पे आ जाइए। महाभारत में कितने पर्व हैं? विकल्प सही हो जाता है आपका डी, 18 पर्व हैं। चलिए महाभारत किसने लिखा है पूछा जाता है, वेद व्यास जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है पाका में प्रत्यय है, पाका में प्रत्यय है 67। इसके बाद हम लोग मैथ कवर करेंगे। गए प्रत्यय 67 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कुवाड़न नहीं कुरवाड़ा में प्रत्यय है, कुरवाड़ा में प्रत्यय कौन सा है 68। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है शानच प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69। हरिहर गुरुवह में समास है 69, हरिहर गुरुवह में समास कौन सा है 69 का यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, द्वंद समास। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है चिनौती में धातु है, क्वेश्चन नंबर 70, चिनौती में धातु कौन सी है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ची धातु। ची धातु का अर्थ क्या होता है? चुनना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 को हम क्या कहते हैं? 18 को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 71। 18 को अष्टादश कहा गया, विकल्प आपका सही हो जाता है बी, अष्टादश। यहां पे देखिए 72 इस द्विवृत्त प्रयत्न है, इस द्विवृत्त प्रयत्न है 72। जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ऊष्म वर्णों का। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊष्म वर्ण श श षष्ठी वाला स फिर स फिर क्या होगा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है इदम का तृतीय एक वचन रूप क्या है? इदम का तृतीय एक वचन रूप आपको बताना है 73। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अनिया। पितृव्य इसका अर्थ क्या है 74, चाचा। मातुला का अर्थ क्या होता है? मामा। पित्री का पिता। कंदभेदा कहते हैं किसको कहते हैं? कंदभेदा किसे कहते हैं? कंदभेदा विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है चुकंदर को। काव्य मीमांसा रचना है किसकी? काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर। विकल्प सही हो जाता है आपका डी, राजशेखर की रचना है। अच्छा यहां पे आनंदवर्धन की एक रचना इंपॉर्टेंट पूछी जाती है एग्जाम में, ध्वनि संप्रदाय और ये वामन रीति संप्रदाय के और मम्मट काव्य प्रकाश के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा 77? इसका होगा अनावृष्टि। विकल्प आपका ए सही हो जाता है अनावृष्टि। 78 पे आ जाते हैं। 78 जगत का पर्यायवाची नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट, जगत का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प आपके यहां पे सही हो जाता है बी, भवनम। ठीक है ये किसका है? मकान का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अहन किस लकार का रूप है 79। अहन किस लकार का रूप है? अहन लंग लकार। 79 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, लंग लकार का रूप है। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है अहन। कामे स्वतां पश्यति किस ग्रंथ से संबंधित है? कामे स्वतां पश्यति किस ग्रंथ से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 80। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है
बी अभिज्ञान शाकुंतलम किससे संबंधित है? अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम से। इसकी रचना किसने की? अभिज्ञान शाकुंतलम की। मैंने वीडियो बनाया था तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अनुभव में प्रत्यय है, अनुभव में प्रत्यय पूछा जा रहा है, कौन सा प्रत्यय है? बी सी यहां पे, डी यहां पे। तो जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी लेप प्रत्यय। गौरी में प्रत्यय है, गौरी में प्रत्यय है पूछा जा रहा है, गौरी में प्रत्यय कौन सा है? 82 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। 83 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है। तत्र पंच जना निवसन्ति, तत्र पंच जना निवसन्ति। अंत्यादि में संधि है, अंत्यादि में संधि पूछा जा रहा है, क्या है अंत्यादि में संधि? 84 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी यण संधि। अगला क्वेश्चन है तकनीकी ज्ञान किसके अनुसार होनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान किसके अनुसार होनी चाहिए? 85 यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 85 का उत्तर आपका सही हो जाता है छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए, छात्र केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा सब कुछ बालक के अनुसार। शिक्षण सूत्र के प्रवर्तक हैं, शिक्षण सूत्र के प्रवर्तक कौन है? 86 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है मनोविज्ञान में तार्किक को क्या कहते हैं? 87 मनोविज्ञान में तार्किक को क्या कहते हैं? तार्किक को कहते हैं 87 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अनुभव से तर्क की ओर। शिक्षण विधि की विशेषता है क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी इनमें से सभी शिक्षण विधि की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 89 व्याकरण शिक्षण की विधियों में आर्मस्ट्रांग प्रवर्तक हैं किसके? आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के, विकल्प आपके यहां पे सही हो जाता है बी ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है पादह का हिंदी अर्थ क्या होगा, पादह का हिंदी अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है पैर, ठीक है 90 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है पैर। हस्ता का अर्थ हाथ होता है, चक्षु का अर्थ आंख होता है, और मस्तक को संस्कृत में क्या कहते हैं? ललाटह कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, किसका? संस्कृत का। आप लोग संस्कृत में 30 में कितना स्कोर कर पाए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम लोग कवर करते हैं इधर मैथ्स का पोर्शन। आप लोग तैयार हैं गणित सॉल्व करने के लिए? तैयार हैं? अगर आपको गणित ना भी आए ना तो आप लोग तुक्का जरूर मारिएगा, बहुत बढ़िया। संस्कृत में 30 में 30 एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए इसी बात पे जल्दी से करिए वीडियो को लाइक और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैथमेटिक्स सभी का मैथ से, किसी को छोड़ना नहीं है, कम से कम तुक्का ही आप लोग लगाते चलिए और टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से जो जिसका हल ज्यादा होगा उसे हम लोग बस सरसरी निगाह से देखेंगे और बताते चलेंगे रिप्लाई उत्तर बताते चलेंगे, जहां पर भी दिक्कत होगा तुक्का मारिए। देखिए 30 में से आपको कितना मिलता है, 30 में से आप कितना सही कर पाते हैं तुक्के के आधार पर, और जिसको आता है वो लोग फुल कॉन्सेंट्रेट होकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं गणित विषय को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मुख्य कारण क्या है? ऐसा नहीं, अगर आपको गणित नहीं आती ना फिर भी अगर आप 15 सही कर पाते, देखिए 15 कैसे सही होगा, कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप लोग इजिली कर ले जाएंगे, 10 तुक्के से सही हो जाएगा ना, 5 तो सही होगा ना। और अगर आपका 3 सब्जेक्ट सही हो गया, इधर आपका कुछ सही हो गया फिर उधर आपके दूसरे लैंग्वेज से सही होगा, 4 सब्जेक्ट मिली आपका बहुत सही होगा, एक जो लैंग्वेज आप पहले चुने होंगे वो भी सही होगा, तो 120 पूरा ऐसे ही बन रहा है, तो आप लोग कवर कर ले जाएंगे। 91 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी उपरोक्त सभी, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 91 अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है क्या हो जाता है इसमें स्क्रॉल ही नहीं,
कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है, किस लिए? 92 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, डी, छात्रों को अधिक अभ्यास करवाने के लिए। विकल्प यहाँ पे आपका डी सही होगा, छात्रों को अधिक अभ्यास करवाने के लिए। ठीक, अगला है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? गणित विषय को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मुख्य कारण छात्रों के चरित्र का विकास करना, छात्रों का समाजीकरण करना, तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, ये सभी ऑप्शन आपका डी सही होगा। 93 पे आ जाइए, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का एक उदाहरण होगा, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण। 94 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा, ए, गणितीय आकृतियां बनाना। फिर 95, किस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम दिए जाते हैं, किस विधि में पहले उदाहरण फिर बाद में नियम दिए जाते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल कर लेने चाहिए। 95 आगमन विधि, कौन सी विधि, आगमन विधि में पहले नियम, पहले उदाहरण फिर बाद में नियम बताए जाते हैं। अच्छा यहां पे देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि जो कह रहे हैं वह सत्य है, यह कथन किसका है? आपको विकल्प बताना है जल्दी से। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये किसका है, बर्टिन रसेल का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहां पे पूछा जा रहा है गणित की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, तो 97 पे चलते हैं। तो 97 आप लोग जल्दी से रिप्लाई करते रहिए जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग किस क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 97 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, तार्किक, कैसी होती है, तार्किक होती है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं, 98 है, यदि दो संख्याओं का योग 11 और उनके गुणनफल, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 11 तथा उनके गुणनफल का 4 गुना 72 हो तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। 98 पे आते हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं या फिर क्या करें, अब यहां पर मानना पड़ेगा संख्याएं क्या है, एक्स और वाई मान लेते हैं, संख्याएं एक्स और वाई है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 पहला समीकरण बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे x, अब यहां पे पूछा जा रहा है उनके गुणनफल का 4 गुना, गुणनफल एक्स वाई हो गया 4 गुना, गुणा कर देंगे 4 का, फिर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 72, समीकरण दो बना लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे पूरा आ जाएगा आपका यहाँ पे फाइनली x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, जैसा होगा आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व कर दिया जाएगा, बस इसी समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना है, फिर विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा 98 का बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 99 पे, सीता के पास 80 रुपए हैं और गीता के पास सीता के रुपए के आधे से 10 अधिक हैं, गीता के पास सीता से कितने रुपए कम है, आपको ये बताना है, तो सीता के पास रुपए कितने हैं, 80, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए, आप लोग अपना कैलकुलेशन करते रहिए साथ साथ में हम यहां पे कर रहे हैं, तो सीता के पास रुपए कितने हैं, 80, ये हो गया, गीता के पास रुपए कितने होंगे, सीमा के रुपयों के आधे से 10 अधिक, तो सीता के पास इतने हो गए, ये हो गया सीता के पास, फिर गीता के पास कितना होगा 80/2, इसका आधा प्लस इसमें कितना जुड़ेगा और 10 हो गया, 10 अधिक है, तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते, 40 यहाँ पे पूरा 40 प्लस 10 आ जाएगा 50, 80 और 50, तो गीता के पास सीता से कितने रुपए कम है, 80 यहाँ पे है 50 ये, तो कितने रुपए कम है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, 30 रुपए कम है, क्लियर है। 99 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए, एक संख्या का 4/5 मूल संख्या से 9 कम है, संख्या होगी
एक संख्या का 4/5 मूल संख्या से 9 कम है, कितना कम है? 9 कम है, संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। मान लेते हैं संख्या क्या है, संख्या x है, तो x का 4/5 इज इक्वल टू x माइनस 9। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग। तो यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे तो आ जाएगा आपका उत्तर x/5 इज इक्वल टू 9। फाइनली x बराबर आ जाएगा 5945, यानी कि 45 रुपीज़। इसी को सॉल्व कर लेना आपको, ये जो जितना भी हम बता रहे हैं आप लोग को जल्दी चाहिए तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर डी सही 45। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे, जिससे कि हम आगे इसे डिटेल में कर सकें, और ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11, 33, 44 और 55 के मासा तथा लासा में क्या अनुपात होगा, इनमें अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। 101 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से आप बताइए। अच्छा, जिसे नहीं आ रहा मैथमेटिक्स वो लोग तुक्का लगा लेंगे, तुक्के में देखिए कितना सही होता है। 101, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, बी सही होगा। इसका लासा कितना होगा, इसका पूरा आप लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 660, काटी करना है फिर। और इसका मासा देखने पे पता चल रहा है कि 11 ही होगा मासा, सभी संख्या कट जाएंगी, तो मासा और लासा का अनुपात पूछा जा रहा है। मासा और लासा 11:660, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:60। आसान सा क्वेश्चन था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 102। यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग 86 है और दोनों संख्याएं सम हो तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। दो क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है 86 है और दोनों संख्याएं सम हो तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। एक मिनट पानी पी लेते हैं। तो कम इन ईयर अबाउट, ज्यादा नहीं, लक सही रहा तो आपका 10 भी सही हो सकता है। वैसे तुक्के से मेरा कभी सही नहीं होता, तुक्के से मेरा बहुत कम सही होता है। 102 पे आते हैं, तो दो क्रमागत संख्याएं, एक मान लेते हैं x हो गया, दूसरी क्या होगी, x प्लस 2 होगी, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 86। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो x यहाँ पे देख लीजिए 2x इज इक्वल टू 86 माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 84, x इज इक्वल टू कितना हो गया 42, यानी कि छोटी संख्या क्या होगी, x माना हमने तो छोटी संख्या कहाँ गई, ऑप्शन आपका सही हो जाता है 42। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग रिप्लाई करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है ना तो दिक्कत है। यदि 1 किलोग्राम शुद्ध दूध में 180 ग्राम वसा हो तो 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कुल कितनी वसा होगी, जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करिए। आसान सा क्वेश्चन है 103। देखिए चूंकि 1 किलोग्राम शुद्ध दूध में वसा की मात्रा कितनी है, 180, एक मिनट कितनी है, 180 है, 180 ग्राम है। 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में वसा की मात्रा कितनी होगी, 1 किलोग्राम में इतनी है तो 50 में 50 गुणे इतना हो जाएगा 180, कितना हो गया उत्तर आपका आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 90, यहाँ पे पूरा 9000, ये कितना आएगा, लेकिन ग्राम में आंसर किस में आएगा, ग्राम में, और यहाँ पे आपका उत्तर किस में दिया है, किलोग्राम में दिया है, तो 9000 ग्राम को अगर किलोग्राम में आप बदलेंगे तो कितना आएगा, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी 9 किलोग्राम। बहुत बढ़िया, जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सारे स्टूडेंट बहुत ही एकदम एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो 104, अभिषेक का जन्म 5 अगस्त 2004 में हुआ था, 25 जुलाई 2016 में उसकी आयु कितनी होगी, आपको बताना है, आयु का कैलकुलेशन करना है, तो आप लोग अपनी एज कैलकुलेट कर पाते होंगे तो तब तो सही है। तो यहाँ पे देखिए वर्ष, अब यहाँ पे चलिए आपको तरीका बताते हैं। वर्ष हो गया, माह हो गया, दिन लिखिए, ठीक,
तो कितनी थी? हाँ, 2016, 2016 जुलाई 7, 25 डेट लिखाई है 25, और माह यहाँ पे जुलाई था तो 7 माह होगा, 7वां मंथ। और फिर उसके बाद 2004 में घटाइए, 2004 वर्ष का वर्ष से, फिर यहाँ पे 08 यहाँ पे रखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 05 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे पूरा आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 11 11 20, तो 11 वर्ष 11 माह 20 दिन आपका आंसर सही होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 11 वर्ष 11 माह 20 दिन होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए कैसे घटेगा, जाएगा ना वर्ष पूरा, तो यहाँ पे माह में जुड़ जाएगा, फिर माह उसमें से कैंसिल घटेगा, माइनस करेंगे फिर, तो यहाँ पे 15 बचेगा, 15 में से 4 जाएगी, 11 वर्ष होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अभिनव ने एक क्रिकेट बैट 800 रुपये में खरीद कर अपने मित्र को 1000 रुपये में बेच दिया, उसे लाभ या हानि प्रतिशत में कितना होगा? तो देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपका, प्रतिशत हानि का सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखिए बैट का क्रय मूल्य कितना है, 800 में वो खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 800 रुपये क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। ठीक, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, चलिए थोड़ा सा स्पेस के लिए इसको स्क्रॉल कर देते हैं। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य फिर बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1000, 1000 माइनस 800 बटा, एक मिनट, चलिए ये इस क्वेश्चन देख रहा है उसको छोड़िए, फिर इसके नीचे कितना बटा 800 गुणे कर देंगे 100%, ये हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 1000 में से 800 गया यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, 200 बटा 8% हो जाएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 25%, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये भी हैंग कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, एक मिनट रुक जाइए, चलिए छोड़िए दूसरे उस पे आते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन पेपर ओपन करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, दूसरा यहाँ पे ओपन करते हैं पूरा। चलिए आज आते हैं हम लोग कहाँ पे, दे मैथमेटिक्स की तरफ लास्ट में आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इंग्लिश का भी सॉल्व करेंगे, चलिए उसी पेज पे खुला जहाँ पे हमें जरूरत थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 106, यदि किसी घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली सुइयाँ 12 पर हो तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हाँ यहाँ पे देखिए 106 पे देखिए, 12 बजे दोनों सुइयां परस्पर एक साथ, घड़ी की घंटे की और मिनट की सुइयां 12 पर हो, दोनों 12 पर होंगी तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री। ये आसान से अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ते तो ये आपका एक नंबर सही हो जाता है। ठीक, ए होगा। अरे भाई, दोनों घड़ी घंटे वाली और मिनट वाली सुइयां 12 पर, दोनों 12 पर हैं तो कितने अंश का कोण बनेगा, घंटे वाली भी 12 पे हो गई, मिनट वाली भी 12 पे हो गई, यहाँ पे होती, यहाँ पे तो कुछ कोण बनता कि नहीं बनता, यहाँ पे तो 0 अंश का कोण बनेगा ना। फिर यहाँ पे आगे आ जाइए, एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुना है, और खेत का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, खेत की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पे देखिए, आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी है, मान लेते हैं x मीटर है, और लंबाई अब यहाँ पे 2 1 2 1 के 2 3/2 हो गया कि नहीं, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x/2, सवाल के अकॉर्डिंग इतनी मीटर है,
तब खेत का क्षेत्रफल क्या है 200, यहाँ पे 16 वर्ग मीटर, ये सब दिया हुआ है, इतनी चीजें हमें मिल रही है। ठीक है, तो 3x/2 × x = 216, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2, देखिए यक्स का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 144, तो यक्स बराबर वर्गमूल निकालेंगे 12 मीटर आपका आएगा। खेत की लंबाई हमने मानी है कितनी है, आप बताया गया है जो लंबाई है कितनी है, ये है 3x/2, तो यक्स आपका 12 आ गया, तो इस पर आप रखेंगे 3/2 × 12 कितना आ जाएगा 18 मीटर, तो 6 × 36 = 18, तो विकल्प आपके यहाँ पे सही हो गया सी 18 मीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 मीटर होगा, यहाँ पे लंबाई पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक भुजा 450 सेंटीमीटर है, मैदान का परिमाप मीटर में कितना होगा। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक भुजा 450 सेंटीमीटर है, मैदान का परिमाप, आसान सा क्वेश्चन जल्दी से बताइए। तो मैदान की प्रत्येक भुजा 450 सेंटीमीटर है, मीटर में कितनी होगी, 450 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितनी होगी, 4.5 मीटर हो गया कि नहीं। तो मैदान का परिमाप चारों भुजा आप जोड़ लीजिए या तो 4 का गुणा करिए, 4 का गुणा कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 18 मीटर हो जाएगी। ये तो आप जोड़िए 4 बार 4.5, फिर ऐसे 4 बार, ये तो आप 4 बार जोड़िए या तो 4 का गुणा करिए, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 18 मीटर। ठीक, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग एक बार जल्दी से, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, एक बार जल्दी से लाइक करिए, जितने भी स्टूडेंट अभी चैनल पे जुड़े हैं लाइव देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम ने एक महाजन से 8,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितना धन ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, आपको बताना है 109। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा, आसान सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज आपको बताना है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन आपका कितना है 8,000, कितना हो गया 8,000 गुणे कितना, फिर दर 5 है, समय क्या है 5 है, बटा 100। कट करेंगे आप पूरा तो यहाँ पे आपका 5×25 यहाँ पे पूरा आ जाएगा 2,000 रुपये, कितना होगा 2,000 रुपये, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सही हो जाता है डी 2,000 रुपये, आसान सा क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई आकृति में कोण ए बी सी की अंश माप होगी, कोण ए बी सी क्या पूछा जा रहा है, कोण ए बी ये पूछा जा रहा है, कोण ए बी सी की अंश माप कितनी होगी। ठीक, आपको बताना है, देखिए ए बी सी, कोण ए बी सी इसका पूरा योग कितना होना चाहिए त्रिभुज का 180 अंश ना, तो अब 180 में से आपको 90 और 35 घटा दीजिए, 180 माइनस 90 और 35 कितना हो गया 125, कितना आ गया 55, ये तो बहुत आसान सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या होगी, सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो विकर्णों की संख्या का एक फॉर्मूला है n n-3/2, विकर्णों की संख्या का सूत्र है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सम अष्टभुज, n बराबर कितना है 8 है, n बराबर यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक, तो 8 फिर 8 − 3 / 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 3 जाने पे कितना बचेगा 5 बचेगा, ये काटिए 2 × 4 तो 4×5 = 20 हो गया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये 20। ठीक, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संख्या का 15% 225 होगा, किस संख्या का 15% 225 होगा, मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है, यक्स है, तो यक्स का 15% यानी कि 15/100 कितना हो गया 225 के, तो यक्स बराबर कितना हो गया, यहाँ पे भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा 225 × 100/15, आप लोग सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 15,000, यानी कि संख्या आपकी हो जाएगी 15,000, तो 15,000 का 15% करेंगे तो कितना आ जाएगा, करिए फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 15,000 नहीं होगा 1500 होगा, ठीक है 1500, तभी तो यहाँ पे 2,250 हो जाएगा, 1500 आएगा उत्तर आपका, 1500 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है भाई। जानवरों के एक समूह में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं जिनके सिरों की संख्या 80 है और पैरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या 80 और पैरों की संख्या 192। समूह में खरगोश कितने होंगे आपको बताना है, समूह में खरगोश कितने होंगे? 113 पे आ जाइए जल्दी से। चार पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी होगी? पैरों की संख्या बटा दो, क्योंकि चार पैर होंगे तो जानवर बटा दो करेंगे तभी पता चलेगा। पैरों की संख्या बटा दो, देखिए पैरों की संख्या, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं चार पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल रहे हैं, पैरों की संख्या बटा दो माइनस सिरों की संख्या, माइनस सिरों की संख्या, तो पैरों की संख्या 192 बटा दो माइनस सिरों की संख्या 80 कर दीजिए, तो दो नौ 18 दो छ, तो 96 में से 80 जाएगा कितना आ जाएगा? ठीक कितना हो गया 16। तो यहां पे समूह में खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विकल्प आपके यहां पे सही हो जाते हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजू को एक कमरे की पुताई करनी है, उसे ज्ञात होना चाहिए, राजू को एक कमरे की पुताई करनी है तो उसे क्या ज्ञात होना चाहिए? कमरे का आयतन या चारों दीवारों का क्षेत्रफल या चारों दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल? 114 का यहाँ पे विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? 114। जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 114 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, कमरे की चारों दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल इसको ज्ञात होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है। यदि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.411 हो तो अंडर रूट, तो फिर ये 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 इसका मान क्या होगा? अगर अंडर रूट 2 बराबर इतना है तो इसका मान क्या होगा? अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सॉल्व कैसे, चलिए कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट 2 का मान ये है तो इसका मान रखना पड़ेगा, दुनिया भर का कैलकुलेशन है इसमें। अंडर रूट 2 की जगह पे इसको रखिए 1.414 प्लस 1, चलिए प्लस 1 माइनस 3 फिर 1.414 माइनस 1, ये हो गया। अब इसे आप गुणा करिए, ठीक है, फिर इसे इसे पूरा हल करिए आप लोग, तो आ जाएगा उत्तर आपका कितना सही हो जाएगा। चलिए हल करते हैं, ठीक, इसको पहले इसमें जोड़ लीजिए, ये दोनों जोड़ लीजिएगा, आसान सा हो जाएगा। चलिए हम जोड़ लेते हैं 2, फिर उसके बाद 2.414, ये हो गया, फिर माइनस 3 गुणे 0.414, चलिए कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.828 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1.242 हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 3.586। कौन सा विकल्प है? विकल्प आपका सी सही होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, कक्षा 5 के कुछ विद्यार्थियों का वजन निम्नवत है, ये निम्नवत है, कुछ वजन है जो इस तरीके से, कक्षा में 20 से 25 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 116 पे आते हैं, 20 से 25 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या, अब यहां पे जोड़ना पड़ेगा आपको, विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है 13, ठीक है, जोड़ लीजिएगा आप लोग। अगला है, लूडो का पासा किस आकार का होता है? लूडो का पासा किस आकार का होता है? विकल्प यहां पे कौन सा सही होगा? 117, घनाकार होता है, लूडो का पासा घनाकार होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक कांच के बर्तन में पानी भरा हुआ है, एक कांच के बर्तन में पानी भरा हुआ है, टीना ने मैदान से कुछ कंकड़ उठाए और बर्तन में डाल दिए, कंकड़ों का आयतन किसके बराबर होगा? विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? 118, बर्तन में डाले गए कंकड़ों का आयतन किसके बराबर होगा? 118। ध्यान से ऑप्शन आपको पढ़ना है, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, एक्सीलेंट गुड। पानी के बढ़े हुए स्तर के बराबर होगा, बर्तन में डाले गए कंकड़ों का जो आयतन होगा बर्तन में बढ़े हुए जल स्तर के बराबर होगा, वेरी गुड, वही पानी एक्स्ट्रा होता है उठता है। अगला है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कम से कम क्या हो सकता है? दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कम से कम क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 119, अब विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर सदैव दो होता है, अब आसान सा क्वेश्चन है। अगला है 120 नंबर का क्वेश्चन है,
ए बराबर दो, बी बराबर तीन, सी बराबर पांच हो तो बी स्क्वायर बटा ए की बी घात, बी स्क्वायर नहीं, बी की सी घात बटा ए की बी घात का मान क्या होगा? अब यहां पे चलिए देख लेते हैं, बी की सी घात, बी मतलब तीन की, सी घात पांच, ए की पांच घात, ए मतलब दो, इसकी कितनी घात, बी तीन, कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे तीन गुड़े पांच इतना पूरा करिए तो हो जाएगा आपका 243 बटा दो गुड़े दो गुड़े दो, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ यहाँ पे पूरा 243 बटा आठ। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आप लोग ये सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं? नहीं भाई, ये सारे आसान वाले क्वेश्चन तो कर ही लेने चाहिए। अब तीन का पांच बार गुणा आप लोग नहीं कर पाएंगे, तीन गुणे पांच गुणे पांच, सॉरी तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन फिर तीन, नहीं आ रहा तो ऐसे करिए ना, तीन गुणे तीन, तीन तिया नौ, नौ गुणे तीन, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस तिया, ऐसे ऐसे करते जाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरी लैंग्वेज हमारी है इंग्लिश, जिसकी है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे बताइए आप लोग, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप पे, सभी पे लाइक और शेयर करते रहिए। और चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला है इंग्लिश का, आप लोग थक चुके हैं। अच्छा ये किसने बोला, चलिए तो फिर आप लोग, हाँ नेक्स्ट को आ जाते हैं, नेक्स्ट लैंग्वेज पे। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इंग्लिश का? मैथ्स 22 में से 30, 30 में से 22, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू सो मच। चलिए आगे इंग्लिश का भी कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो हमारे इंग्लिश वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और हम वो नाराजगी समझ में नहीं आती, फिर हम डर जाते हैं, बहुत डर लगता है मेरे को। हाँ चलिए अब इंग्लिश पे आ जाते हैं, आ जाइए। चलिए ब्रास वाज, यहाँ पे देखिए, ब्रास वाज यूज्ड इन द ओल्ड डेज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन इन द अबव गिवन सेंटेंस। 61 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। यहाँ पे मटेरियल नाउन कौन सा है इस सेंटेंस में, मटेरियल नाउन आपको बताना है। 61 मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाएगा डी ब्रास, ब्रास हुआ, गोल्ड हुआ, ये सभी मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक संज्ञा आपको बताना है। 62 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी ही, पुरुषवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, पर्सन के स्थान पर प्रयुक्त वे शब्द जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के रूप में होते हैं, तो यहाँ पे ही पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का रूप है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ हेल्पिंग वर्ब इन द अबव गिवन सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब आपको बताना है। 63 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, सही वर्ब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। 64 जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन द्वारा बनाए जाते हैं वे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे विकल्प 64 का ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी प्रॉपर नाउन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाता है चाइना, प्रॉपर नाउन चाइना, प्रॉपर नाउन से क्या बनाया गया, चाइनीज, इंडिया से इंडियन, जापान से जापानीज, समझ रहे ना। नेक्स्ट है वी नीड सम वाटर आल्सो, वी नीड सम वाटर आल्सो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द अबव सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताना है आपको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताना है। परिमाण वाचक विशेषण किसी वस्तु या पदार्थ की मात्राओं को व्यक्त करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे आपका सही हो जाता है 65 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारे, ठीक है। हाँ मोटिवेशन के लिए
इंग्लिश वाले स्टूडेंट, ठीक है 65, चलिए 65 हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके एग्जांपल सम हुआ, मैनी हुआ, एनी इनफ हुआ, मोस्ट हुआ, वेरी हुआ, ये सभी 66। हैव यू गॉट एनी मैसेज फ्रॉम योर मदर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन द अबव गिवन सेंटेंस। अभी आपको मैंने बताया तो 66 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा, एनी, अभी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, एडवर्ब आपको बताना है, एडवर्ब 67 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, डी फॉर्मली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, रमेश नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड, व्हाट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज रिप्रेजेंटेड बाई द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है इसमें, अंडरलाइन जो वर्ड है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, 68 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, डी कंजंक्शन, वाक्य में बट कंजंक्शन है, बट का प्रयोग दो परस्पर विरोधी या विपरीत विपरीत विचारों को जोड़ने कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। 69, वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6 o'clock इन द अबव सेंटेंस वेल रिप्रेजेंट्स, वेल क्या है, वेल क्या रिप्रेजेंट करता है, 69 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, बी इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है आई वॉन्ट टू गो, क्वेश्चन नंबर 70 है, आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, हियर इन अबव सेंटेंस यूनिवर्सिटी इज अ, यूनिवर्सिटी क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, सी यूनिवर्सिटी नाउन है, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, आप सभी जान रहे वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स हुआ, प्लेस हुआ, जानवर, पौधों आदि के जो नाम है सामान्य नाम, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। 71 है आई मेट योर मदर यस्टरडे, आई मेट योर मदर यस्टरडे, द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज अ या एन, क्या होगा, आई मेट, 71 चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, रिप्लाई करिए, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, बी प्रोनाउन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट कहां से होगा, 71 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहां पे ए सही होगा, रुक जाइए, ए मेट, मीट, मीट मतलब मिलना, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना, तो मीट, मीट का मेट होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। 72 आई लेफ्ट माय शूज अंडर द टेबल, I left my shoes under the table. Here in above sentence word under is क्या होगा, 72 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, बी अंडर प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज, द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज क्विकली, 73 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, बी एडवर्ब, क्विकली क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि यह क्रिया किसकी, फिनिश समाप्त करना को मॉडिफाई कर रहा है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन, 74 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, 74 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यहां पे इनटू, अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड
ईच एन एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन, आपको कंजंक्शन बताना है 75, 75 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए एंड। इसका प्रयोग दो शब्द वर्ड हुआ, फ्रेजेस हुआ, क्लासेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। 76 से विच ऑफ द वर्ड्स इज एन, विच ऑफ द वर्ड्स वर्ड्स बोला जा रहा है, विच ऑफ द वर्ड इज नॉट अ कंजंक्शन। 76 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी। इट क्या है? इट प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। 77 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी अंटिल, कंजंक्शन ऑफ टाइम विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है बी अंटिल है। 78 पे आते हैं। लुक बोथ साइड्स, फिल इन द ब्लैंक, यू क्रॉस द स्ट्रीट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजंक्शंस मोस्ट अप्रिएटली वी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द अबव सेंटेंस। 78 कौन सा भरा जाएगा? 78 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी बिफोर, बिफोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस। 79 इमोशन, इंटरजेक्शन वे शब्द या फ्रेज होते हैं जो व्यक्ति यानी कि बोलने वाले की भावना इमोशन को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है 80 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहां पे डी साउंड्स कैन नॉट बी यूज्ड एट इंटरजेक्शंस। कुछ साउंड्स यूज किए जाते हैं इंटरजेक्शन के रूप में, यूज किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज होमोफोन, एलिफेंट, हॉर्स, डियर, चिता। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। 81 जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, ठीक है, हिरण हो गया, फिर डियर, ये देखिए डियर मतलब क्या हो जाता है, प्यारा, प्रिय, ये सब जिनका उच्चारण प्रोनंसिएशन समान होता है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? होमोफोन कहलाते हैं। अगला है 82 इन द केयर ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट वी यूजुअली आस्क फॉर समथिंग इन अ पोलाइट एंड इनडायरेक्ट वे एंड फॉर दिस पर्पज वी यूज सम वर्ड्स गिवन इन ऑप्शंस बिलो बट फाइंड वन दैट इज इनकरेक्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट हेतु अधिकांशतः किसका प्रयोग होता है? 82 के यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। देखिए पोलाइट या रिक्वेस्ट के लिए अधिकांशतः कैन, कुड, मे, वुड, ये सभी, वुड यू माइंड, इन सभी वर्ड फ्रेज का प्रयोग किया जाता है, यहाँ वांट नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। अगर ये पूरा सेंटेंस आप इससे स्टार्ट करते हैं आई वांट से पूरा वाक्य अगर प्रारंभ करते हैं तो इम्पोलाइट, असभ्य प्रतीत होता, तो विकल्प यहाँ पे आपका डी सही होगा, वांट नहीं होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो इज साइलेंट, यहाँ पे देखिए हेट, नेम, लाइक में कौन सा साइलेंट है? 83 का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका डी, ई है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा। नेम, लाइक, दिस इज माई बॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन फ्रॉम द अबव सेंटेंस इज अ कॉमन नाउन, इसमें कॉमन नाउन 84 का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका सी, बॉक्स, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ पर्सनल प्रोनाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ पर्सनल प्रोनाउन। 85
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी ही, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट है अनीता हैज गॉट फाइव पेंसिल्स, अनीता हैज गॉट फाइव पेंसिल्स, पिक अप द काइंड ऑफ एडजेक्टिव फॉर अंडरलाइन वर्ड इन द गिव इन द अबव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। 86 ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। काउंटेबल नाउन पेंसिल प्लूरल फॉर्म के नंबर को शब्द फाइव के द्वारा दर्शाया गया है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा संख्यावाचक विशेषण। विलुक्ड इन द बेसमेंट, विलुक्ड इन द बेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट टेकन फ्रॉम अबव सेंटेंस इज एन एडवर्ब फ्रेज। 86 ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, 87 पे आ जाते हैं, 86 हो गया कंप्लीट, 87 इन द बेसमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही क्लाइंब्ड अप द लैडर टू गेट इन टू द रूम, सिलेक्ट द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग टू प्रीपोजिशंस यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। 88 में टू प्रीपोजिशंस कौन से होंगे, दोनों विकल्प यहाँ पे आपका सही होना चाहिए सी, अप और इनटू, ठीक है, अप और इनटू, ये हो गया ये हो गया अप और इनटू। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंजंक्शन इज यूज्ड, टू इंट्रोड्यूस 89 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी एट, दो परस्पर विरोधी विचारों कंट्रास्टिंग आइडियाज को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजंक्शंस इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 90 ए आइदर आर, कोरिलेटिव सदैव पेयर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, युग्म रूप में, यही इसका आसान तरीका होता है पहचानने का, इधर आर नीदर नार या नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का हो जाता है कंप्लीट पूरा 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना स्कोर कर पाए आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हम लोग की पूरी मेहनत है, पूरे पाँचों पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया यहाँ पे, इवन पांच क्या छह पेपर सॉल्व किया, पूरे 180 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो कब से बैठे हैं देख रहे हैं। तो एग्जाम से पहले आप लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फाइनली हो गया कंप्लीट, हम लोगों ने छह पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। यहाँ पे देखिए पहला था मेरा सीडीपी हम लोगों ने देखा, दूसरा हिंदी का पोर्शन देखा, तीसरा ईवीएस का एनवायरमेंट का कंप्लीट किया, फिर चौथा क्या था संस्कृत हम लोगों ने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स हुआ, फिर इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक बार में कर लिए कंप्लीट। आप लोगों को कैसे लगे क्वेश्चन, हमेशा की तरह अपना आइडिया जरूर दीजिएगा। और आज का सवाल आप लोगों के लिए, चलिए सवाल करना है कि नहीं करना है, चलिए सवाल कर लेते हैं, ठीक। सीडीपी में मैंने क्वेश्चन पूछा था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, अब चलते हैं हिंदी में पूछते हैं, हिंदी में आपसे रचनाएं पूछ लेते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने क्या करवाया था, ईबीएस करवाया था, तीसरे में ईवीएस में क्या पूछे जो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है, पेट क्वेश्चन, तीन ही क्वेश्चन दीजिए रिप्लाई, आप लोग बस तीन ही क्वेश्चन की रिप्लाई करिए, चलिए बहुत हो गया। और आप लोग इससे ये पता चलेगा आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो देखते हैं कि नहीं, अब कुछ दिमाग में भर रहा है कि नहीं, एक दो दिन में एग्जाम होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुँचे और सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें, कि आप ही लोगों के लिए आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर प्रयास चल रहा है, ठीक है। और हमारी एक सीट पक्की होनी चाहिए, ऐसा हम लोग लक्ष्य लेके चले और लक्ष्य को पूरा करेंगे। जल्दी आप लोग एग्जाम देके आइए, फिर आगे की तैयारी को स्टार्ट किया जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग
ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।